राम द्वारा धनुष भान लक्ष्मण को अत्यंत क्रुद्ध एवं आवेश में देखकर राम ने संकेत से उन्हें अपने स्थान पर बैठ जाने का निर्देश दिया और गुरु विश्वामित्र की ओर देखने लगे, मानो पूछ रहे हो कि वर्तमान परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। विश्वामित्र ने कहा, वत्स, लक्ष्मण ने सूर्य कुल की जिस मर्यादा एवं गौरव वर्णन किया है वह सत्य है। अब तुम धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर लक्ष्मण के वचन को सिद्ध करके दिखाओ। गुरु की आज्ञा पाकर रामचंद्र मंद गति से पग बढ़ाते हुए शिव जी के धनुष के पास पहुंचे। राम को धनुष की ओर जाते देख सीता और उनकी सखिया तथा जनकपुरी के समस्त दर्शकगण अत्यंत प्रसन्न हुए, किंतु उनकी प्रसन्नता को संशय ने घेर लिया। वे सोचने लगे कि जब विश्वविख्यात शक्तिशाली राजा और राजकुमार इस शिव जी के धनुष को हिला नहीं सके तो राम जैसे सुकुमार किशोर पिनाक की प्रत्यंचा चढ़ाने में कैसे सफल हो सकेंगे। सीता भी मन ही मन परमात्मा से प्रार्थना करने लगी कि हे सर्वशक्तिमान, इन्हें इनके उद्देश्य में सफलता प्रदान करने की दया कीजिए। मेरा हृदय भी इनकी ओर आकर्षित हो गया है, अतः इसकी लाज भी आपको ही रखनी है। हे प्रभो, आप अपनी अद्भुत शक्ति से इस धनुष को इतना हल्का कर दीजिए कि यह सरलता से उनके द्वारा उठाया जा सके। धनुष के पास पहुंचकर राम ने धनुष को बीच से पकड़कर सरलता के साथ उठा लिया और खेल ही खेल में उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। प्रत्यंचा चढ़ाकर जो ही उन्होंने धनुष की डोर पकड़कर कान तक खींची त्यों ही वह धनुष भयंकर शोर मचाता हुआ तड़तड़ाकर टूट गया। उस नाद से अधिकांश दर्शक मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। सिर्फ विश्वामित्र, राजा जनक, राम, लक्ष्मण आदि कुछ ही ऐसे लोग थे जिन पर इस भयंकर स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कुछ काल पश्चात जब सबकी मूर्छा दूर हुई तो वे राम की सराहना करने लगे। धनुष भंग हो जाने पर राजा जनक ने विश्वामित्र से कहा, मुनिवर, मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई, इसलिए अब मैं सीता का विवाह रामचंद्र के साथ करना चाहता हूँ। मुझे अपने मंत्रियों और पुरोहित को विवाह का संदेश लेकर महाराजा दशरथ के पास अयोध्या भेजने की आज्ञा दें। विश्वामित्र प्रसन्न होकर बोले, राजन, आपके ऐसा ही करना ही उचित है। अपने मंत्रियों को यह भी आदेश दे दे कि वे राजा दशरथ को संदेश दे दे कि दोनों राजकुमार कुशल पूर्वक यहाँ पहुँच गए हैं। विश्वामित्र के वचनों से संतुष्ट होकर मिथिलापति जनक ने सीता को बुलवाया। वे अपनी सखियों के साथ हाथ में वरमाला लिए मंथर गति से लजाती हुई वहां आए जहां धनुष को तोड़ने के पश्चात श्री रामचंद्र खड़े थे। सखियों ने मंगल गान प्रारंभ किया और लज्जा, संकोच एवं हर्ष के भावों से परिपूर्ण सीता जी ने धीरे से श्री राम के गले में वरमाला डाल दी।